तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय प्रभु ने हमको दे दिया है कि एक बार फिर से हम फाइव फोल्ड मिनिस्ट्रीज ऑफ द होली स्पिरिट के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और आज हम भविष्यवक्ता की सेवा के बारे में, जो नए नियम के अंदर बताया हुआ है पौलुस के द्वारा, उस भविष्यवक्ता की सेवा के बारे में हम जानने का और समझने का प्रयास करेंगे कि भविष्यवक्ता का जो ऑफिस है, यानी कि प्रॉफिट का जो ऑफिस है, वो सबके लिए नहीं है, लेकिन गिफ्ट ऑफ प्रोफेसाइंग जो है, यानी भविष्यवाणी करने का वरदान जो है, वो सारे विश्वासियों के लिए खुला हुआ है। हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। और क्यों प्रकाशित वाक्य में इस बात को कहा गया है कि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है, उस बात को भी हम समझने का और जानने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले हम उन वचनों को पढ़ लेते हैं जहां से हम अपने आज के इस अध्ययन की बुनियाद को डालेंगे। इफिसियों की पत्री उसका चौथा अध्याय 11 से लेकर 13 वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। वहां पर इन्हीं फाइव फोल्ड मिनिस्ट्रीज के बारे में पौलुस के द्वारा बताया गया है। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग से धो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। पौलुस के द्वारा इन वचनों के अंदर पवित्र आत्मा की जो फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री है उसके बारे में बताया गया है। और जब हमने पवित्र आत्मा के विषय में जो लेसन किया था, उस लेसन के अंदर हमने इस बात को देखा था कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर कबूतर के रूप में उतरा था, शारीरिक रूप में उतरा था। और पवित्र आत्मा जो कबूतर के रूप में उतरा था, उसका एक बहुत गहरा रहस्य बाइबल के अंदर दिया गया है। और क्यों दिया गया है? क्योंकि एक प्रचारक जो है वो इस बात को बताते हैं कि कबूतर जो होता है उसके दोनों पंखों के अंदर 9 मेन फेदर्स होते हैं, यानी कि 9 मुख्य पंख होते हैं। और हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा आया तो खुद तो आया ही आया, लेकिन अपने साथ वो 9 वरदानों को, 9 गिफ्ट्स को भी लेकर के आया था। और साथ ही साथ वही प्रचारक जो है वो इस बात को बताते हैं कि कबूतर की पूंछ के अंदर 5 मेन फेदर्स होते हैं, जिस प्रकार से उसके दोनों पंखों में 9 मेन फेदर्स होते हैं, ऐसी उसकी पूंछ के अंदर 5 मुख्य पंख होते हैं, जिसके द्वारा उसको उड़ान के अंदर डायरेक्शन मिलता है। और इसीलिए हमको यहां पर इफिसियों की पत्री के चौथे अध्याय के 11वें वचन के अंदर 5 ही सेवकाई पवित्र आत्मा की देखने को मिलती हैं, जिनसे कलीसिया को, विश्वासियों को आत्मिक जीवन के अंदर एक डायरेक्शन मिलता हुआ हमको दिखाई देता है। और आज हम जब भविष्यवक्ता की सेवा के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, तो ये भविष्यवक्ता की सेवा जिसके बारे में यहां पर हम पढ़ रहे हैं इफिसियों की पत्री में, पूरी बाइबल के अंदर, यानी कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, हमको भविष्यवक्ताओं की सेवकाई जो है वो देखने को मिलती है पूरी बाइबल के अंदर। ऐसा नहीं है कि भविष्यवक्ता सिर्फ एक टाइम पीरियड के अंदर आए और उसके बाद भविष्यवक्ता नहीं आए, लेकिन हमको उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक हमको भविष्यवक्ताओं की सेवा देखने को मिलती है। प्रेरितों के काम उसका तीसरा अध्याय उसके 21वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्राचीन काल से बातचीत करता रहा है। प्राचीन काल से, यानी उत्पत्ति के जमाने से परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को भेजता रहा है और भविष्यवक्ता आकर के परमेश्वर का संदेश लोगों को सुनाते रहे हैं, मार्गदर्शन देते रहे हैं। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर हनोक के बारे में बताया गया है, और यह हनोक जो था, इसने भी भविष्यवाणियों की पुस्तक लिखी थी, भविष्यवाणियां की थी,
जिसके बारे में हम यहूदा की पत्री के अंदर पढ़ते हैं कि यहूदा इस बात को लिखता है कि हनोक ने भविष्यवाणी करी थी कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया ताकि सबका न्याय करे और सब भक्तहीनों को उनके कामों के अनुसार प्रतिफल दे। तो हनोक जो था वो भी एक भविष्यवक्ता था, और हनोक के बाद जब हम देखते हैं तो इब्राहिम जो है उसको भी उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर भविष्यवक्ता बोला गया है, नबी बोला गया है। और कहां पर बोला गया है? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसके 7वें वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर खुद इब्राहिम को नबी कहकर के भविष्यवक्ता कहकर के संबोधित करता है। दूसरी ओर हम देखें तो अगर हम एक्स्ट्रा बिब्लिकल सोर्सेस की तरफ जाएं और यदि जोसेफस जो कि यहूदी इतिहासकार था उसकी इतिहास की पुस्तक को जब हम पढ़ें या यहूदी ग्रंथों को पढ़ें तो हमको पता चलता है कि आदम जो था वो भी परमेश्वर का भविष्यवक्ता था और आदम ने भी परमेश्वर का संदेश लेकर के भविष्यवाणी करी थी। और जोसेफस की किताब के अंदर, जोसेफस जो कि यहूदी इतिहासकार था, उसने अपनी इतिहास की पुस्तक के अंदर इस बात को बताया है कि परमेश्वर ने एक संदेश आदम को दिया था और आदम ने वो भविष्यवाणी करी थी कि पृथ्वी का 2 बार विनाश किया जाएगा। और आदम ने बताया था कि पृथ्वी का पहला विनाश पानी के द्वारा होगा और पृथ्वी का दूसरा विनाश जो है वो आग के द्वारा होगा। और हम देखते हैं कि जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी का 1 बार विनाश हो चुका है और अब आग से जो न्याय होने जा रहा है, आग की झील से जो न्याय होने जा रहा है, उसकी भविष्यवाणी आदम ने मानव इतिहास के आरंभ के अंदर ही प्रदान कर दी थी। तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमको भविष्यवक्ताओं की सेवकाई देखने को मिलती है। तो भविष्यवक्ता जो है वो नए नियम की उपज नहीं है, लेकिन भविष्यवक्ता जो है उनको परमेश्वर प्राचीन काल से ही भेजता हुआ आया है। जिस प्रकार से एक अपोस्टल होता है जिसको परमेश्वर ने एक काम सौंपा होता है, उसी प्रकार से भविष्यवक्ता होता है जिसको परमेश्वर ने एक संदेश, एक मैसेज सौंपा हुआ होता है। उसी प्रकार से जैसा काम एक प्रेरित का है वैसा ही काम एक भविष्यवक्ता का होता है। और ये भविष्यवक्ता जो शब्द इस्तेमाल किया पौलुस ने इफिसियों की पत्री उसके 4:11 में, वहां पर ग्रीक न्यू टेस्टमेंट में प्रोफेटीज शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी PROPHETES प्रोफेटीज, भविष्यवक्ताओं के लिए, प्रॉफिट के लिए प्रोफेटीज शब्द ग्रीक भाषा में इस्तेमाल किया गया है और इसका मतलब ग्रीक भाषा में होता है वो जो कि बोलता है, वो व्यक्ति जो बोलता है, यानी किसी दूसरे के बिहाफ पर जो बोलता है उसको प्रॉफिट कहा जाता है, उसको भविष्यवक्ता कहा जाता है। यानी कि जो परमेश्वर के बिहाफ पर लोगों से बातचीत करता है उसको भविष्यवक्ता कहा जाता है। परमेश्वर ने कुछ कहा और आ करके परमेश्वर की ओर से वो संदेश को डिलीवर करने वाला जो होता है वो भविष्यवक्ता होता है। और भविष्यवक्ता जो हुआ करते हैं वो मस्खरे नहीं हुआ करते हैं। बाइबल में कहीं पर भी आपको मस्खरे या आपको बिल्कुल लिबरल भविष्यवक्ता कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। हंसा हंसा करके लोटपोट कर देने वाले भविष्यवक्ता आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पूरे बाइबल के अंदर आप पढ़ लीजिए, आप देखिए जब एलिशा को कुछ बच्चों ने चिढ़ाया, उसको चंदुआ चंदुआ करके चिढ़ाया क्योंकि उसके बाल नहीं थे, तो भविष्यवक्ता जो हुआ करते थे वो खड़ूस हुआ करते थे, सनकी हुआ करते थे। और एकदम से एलिशा ने रीछों को आज्ञा दी और रीछों ने आकर के बच्चों को फाड़ दिया, क्योंकि भविष्यवक्ता का कैरेक्टर जो है वो इसी प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का संदेश वाहक होता है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है, दुनियादारी से उसको कोई मतलब नहीं होता है, वो परमेश्वर का सख्त संदेश
इंसान के लिए लेकर के आता है। और जरूरी नहीं है कि भविष्यवाणी जो है वो हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड हो, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि भविष्यवाणी हमेशा भविष्य की बातें बताना हो कि आपको आपका न्यूजीलैंड का वीजा आने वाला है, आपको कल कार मिलने वाली है, आप एक घंटे बाद आइसक्रीम खाने वाले हैं। तो जरूरी नहीं है कि सारी बातें भविष्य से ही रिलेटेड हो, लेकिन भविष्यवाणी का मतलब जो है, जो कि प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय में भी बताया गया है, प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और उसके 10वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यानी कि परमेश्वर के बिहाफ पर बोली गई हर एक बात जो है वो भविष्यवाणी है। अगर आप परमेश्वर के बिहाफ पर परमेश्वर की ओर से कोई भी बात बोल रहे हैं वो भविष्यवाणी है। उदाहरण के रूप में पिछले कई सालों से मैं परमेश्वर का वचन पूरे भारत के अंदर प्रचार कर रहा और अपने संदेशों के माध्यम से मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, ना मुझको भविष्यवक्ता का ऑफिस परमेश्वर ने दिया है, वो वरदान मेरे पास नहीं है, उस सेवा के लिए मैं ठहराया भी नहीं गया हूं। समझ रहे बात को, मेरा काम है एक शिक्षक का, मेरा काम है एक प्रचारक का, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर की ओर से जो संदेश मैं लोगों को डिलीवर करता रहा, जो संदेश देता रहा, बार बार एक ही बात को मैं बोलता रहा इतने सालों से कि कठिन दिन आने वाले हैं, कठिन दिनों की शुरुआत होने वाली है, भयानक दिन आने वाले हैं, तैयारी करने का समय है, किसी भी समय कुछ हो सकता है, हो सकता है कि आज रात को ही आपकी मृत्यु हो जाए तो आपका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं परमेश्वर की बिहाफ पर परमेश्वर का वचन जो था वो बोल रहा था। तो परमेश्वर का वचन परमेश्वर की ओर से जब बोला जाता है तो वो भी एक प्रकार की भविष्यवाणी ही होती है। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और उसके 10वें वचन में लिखा है कि यीशु की गवाही भी भविष्यवाणी की आत्मा है। कैसे है? यीशु मसीह मर गया, यीशु मसीह गाड़ा गया, यीशु मसीह वापस से जी उठा, यीशु मसीह पिता के पास चला गया और अब वो वापस आने वाला है। जब हम ये गवाही देते हैं वो भी एक भविष्यवाणी की आत्मा है, क्योंकि वो वापस आने वाला है, वो भविष्यवाणी की आत्मा है। जब हम कहते हैं कि यीशु ने मेरा जीवन बदल करके रख दिया, मुझको पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया, वो भी एक भविष्यवाणी है, वो लोगों के लिए भविष्यवाणी है, उनका फ्यूचर जो है वो दिखा रहा है कि इसके जीवन को यीशु ने बचा लिया, ये अनंत जीवन का भागी हो गया, तुम्हारे साथ क्या होने जा रहा है। तो परमेश्वर के बिहाफ पर यदि आप परमेश्वर का संदेश भी देते हैं वो भी एक भविष्यवाणी होती है। जरूरी नहीं है कि बस न्यूजीलैंड का, अमेरिका का, लंदन का, यहां का, वहां का वीजा की जो सील ठप्पे मारना जो है वही भविष्यवक्ता का काम है, ऐसा नहीं है। जो कि आज हो गया या थैले डाल करके घूमना भविष्यवक्ता का काम नहीं है। भविष्यवक्ता की पर्सनैलिटी जो है वो एक खड़ूस पर्सनैलिटी हुआ करती थी, होती है, आप देख सकते हैं प्रेरितों में से भी जिन जिन को परमेश्वर ने भविष्यवक्ता की सेवा के लिए चुना उनकी पर्सनैलिटी किस प्रकार की हुआ करती थी। साथ ही साथ भविष्यवक्ता जो होता है उसके ऊपर परमेश्वर अपने प्लान को रिवील करता है, अपने प्लान को, मैं फ्यूचर में क्या करने जा रहा हूं वो परमेश्वर पहले भविष्यवक्ताओं को बताता है। अब भविष्यवक्ताओं को देश देश का वीजा देने से ही फुर्सत नहीं थी, तो परमेश्वर कोरोना वायरस के बारे में कैसे बताता? भविष्यवक्ताओं को तो तेल और पानी बनाने से ही फुर्सत नहीं थी, तो परमेश्वर कोरोना वायरस के बारे में कैसे बताता? क्योंकि वो तो सुनने को तैयार नहीं थे, वो तो अपनी सेवा के अंदर मस्त हो रखे थे, वो सोच रहे थे सब कुछ वैसा ही चलेगा। जबकि आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 7वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने दास भविष्यवक्ताओं को कुछ भी बताए बिना कुछ भी नहीं करता है।
कुछ भी नहीं करता है। तो परमेश्वर जो है उसने अपना संदेश अपने भविष्य वक्ताओं को दिया, और इसी वजह से पहले से परमेश्वर अपने प्लान को रिवील करता हुआ चलता है कि मैं एक कुंवारी को गर्भवती करूंगा और उससे मसीह का जन्म होगा। जब वो आएगा तो गलील के क्षेत्र में ऐसा होगा, जबलून और नप्ताली के देशों में ऐसा होगा। वो आएगा तो लोग बछड़े की तरह कूदने फांदने लगेंगे, उसके वस्त्र की छोर से ही लोग जो है वो चंगे हो जाएंगे। सारी बातें जो हैं परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के ऊपर पहले से ही रिवील करता हुआ चलता है, कुछ भी नहीं छिपाता है। अब अगर परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं से कोई बात छिपा ली, यानी कि परमेश्वर भविष्यवक्ताओं से नाराज है, इसलिए परमेश्वर ने अपने प्लान को उनके ऊपर रिवील नहीं किया, उनको धोखे में परमेश्वर ने रहने दिया कि कुशल है, शांति है, कल्याण है, आशीष है, मंगल है, सब कुछ है, लेकिन उनको पता ही नहीं चल पाया कि इतनी बड़ी विपत्ति जो है वो दुनिया के ऊपर आने वाली है। ना केवल भारत के भविष्यवक्ताओं को, विश्व के भविष्यवक्ताओं को भी पता नहीं चल पाया कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से भविष्यवक्ताओं से नाराज है, जबकि वो अपने दास भविष्यवक्ताओं के ऊपर कुछ भी बात प्रकट किए बिना कुछ करता ही नहीं। अब हम भविष्यवक्ता को जब पुराने नियम के अंदर देखते हैं, तो भविष्यवक्ता के बारे में पुराने नियम के अंदर क्या बात बताई गई है? भविष्यवक्ताओं के बारे में पुराने नियम के अंदर बताया गया है कि भविष्यवक्ता वो होता है जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। परमेश्वर के सामने खड़ा होकर के वो परमेश्वर की बातों को सुनता है, यानी परमेश्वर की जो गुप्त सभा है, डिवाइन काउंसिल है, उसके अंदर भविष्यवक्ता जाकर के आत्मिक रूप से खड़ा हो जाता है। जब परमेश्वर बातचीत करता है उस समय आत्मिक तौर पे भविष्यवक्ता जो है परमेश्वर की डिवाइन काउंसिल में होता है। और हमको कैसे पता? पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसके पहले वचन को पढ़े तो वहां पर एलिया जो है वो अपनी पहचान ये ही बताता है कि मैं वो हूं जो परमेश्वर यहोवा के सामने खड़ा रहता है। ये सबसे बड़ी पहचान पुराने नियम के अंदर भविष्यवक्ता की बताई गई है कि वो परमेश्वर के सामने खड़ा होता है, और जो परमेश्वर के सामने खड़ा होता है उसको मनुष्य से कोई भय लगता ही नहीं। भविष्यवक्ता जो है वो किसी से भी नहीं डरता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। एलिया जो था वो आहाब राजा से जाकर के मिला और आहाब को जाकर के उसने जिस तरह से बातचीत करी, कोई भी व्यक्ति राजा से ऐसी बात नहीं कर सकता है। अगर कोई आज आपसे बदतमीजी से बात करे तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? इसकी तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि ये मुझसे ऐसे बातें कर रहा है, इसकी हैसियत ही क्या है मेरे सामने। लेकिन यहां पर आप देखिए, एलिया जो था वो राजा आहाब से जाकर के कठोर शब्दों में बातचीत करता है। तो ये दूसरी पहचान जो है पुराने नियम में भविष्यवक्ता की बताई गई है कि वो किसी से भी नहीं डरता है, किसी से नहीं डरता है। तीसरी पहचान जो भविष्यवक्ता की पुराने नियम के अंदर बताई गई है वो ये है कि वो गिफ्ट्स नहीं लेता है, वो पैसे नहीं लेता है किसी से भी। क्योंकि जब नमान कोड़ी बिल्कुल सही हो गया और नमान कोड़ी सही होने के बाद जब एलिशा के पास गिफ्ट्स लेकर के आया तो एलिशा ने उन गिफ्ट्स को रिफ्यूज कर दिया। भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से होता है, परमेश्वर के बिहाफ पर काम कर रहा होता है, परमेश्वर को गिफ्ट्स की, घूस की, पैसे की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई भविष्यवक्ता खड़े होकर के पैसे मांगता है कि आप मेरी सेवकाई के लिए पैसे दो, धन दो, तो वो भविष्यवक्ता जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं भेजा गया है। क्योंकि भविष्यवक्ताओं की सेवकाई की पहचान ही ये है कि वो कभी पैसे नहीं मांगते हैं।
कभी पैसे नहीं मांगते, और अगर कोई पैसे मांग रहा है तो इन मापदंडों के आधार पर वो भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से नहीं। उसके बाद पुराने नियम के अंदर भविष्यवक्ताओं की ये तीन मेन पहचान बताई गई है कि वो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, वो निडर होते हैं, और तीसरा वो बिल्कुल भी लालची नहीं होते हैं किसी भी चीज के, उनको इन संसार से कोई मतलब ही नहीं होता है। फटे पुराने कपड़ों के अंदर भी वो घूमते रहेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो परमेश्वर की गुप्त सभा के अंदर जा करके खड़े होते हैं, वो उस ग्लोरी को देख करके आते हैं बार बार, इसलिए उनको संसार से कोई मतलब ही नहीं होता है। वो खड़ूस होते हैं, वो सनकी होते हैं, और वो पूरी तरह से सख्त संदेश परमेश्वर की ओर से प्रदान करते हैं। दूसरी ओर पुराने नियम के अंदर झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में भी बताया हुआ है, और झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह बताई हुई है कि जब झूठे भविष्यवक्ताओं के काम सफल होने शुरू हो जाते हैं, जब लोग झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे चलना शुरू हो जाते हैं, तो पूरे देश के अंदर भक्तिहीनता आ जाती है, यानी पूरे देश के अंदर लोग भक्तिहीन हो जाते हैं। और कहां पर यह बात बताई हुई है? यर्मिया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 15वें वचन के अंदर इस बात को बताया गया है। यर्मिया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 15वें वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है? इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में यूं कहता है, देखो मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, और उनके कारण सारे क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तहीनता फैल गई है। यहां पर इस बात को बताया हुआ है कि जब झूठे भविष्यवक्ता भविष्यवाणियां करते हैं और जब लोग उनके पीछे चलना शुरू करते हैं, तो पूरे देश में भक्तिहीनता फैल जाती है, यानी कि लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और पाप के कामों के अंदर लग जाते हैं। और यही तो आज हमारे साथ भी हुआ है। आज मसीही कलीसिया भी इसी चीज की शिकार हो गई है कि बस झूठी भविष्यवाणियों के पीछे चलना, झूठी भविष्यवाणियों को सुनना कि तेरी शादी होने वाली है, तेरे बच्चे होने वाले हैं, तू इंग्लैंड जाने वाला है, तू न्यूजीलैंड जाने वाला है, तू ये करने वाला है, वो करने वाला है। कितने सारे जवान जो भविष्यवक्ताओं के अनुसार न्यूजीलैंड जाने वाले थे, आज ऑटो चला रहे हैं। कई सारे जवान मेरे पास आते हैं कि वो फलाने भविष्यवक्ता ने कहा था कि मैं एक साल के अंदर अंदर अमेरिका शिफ्ट हो जाऊंगा, लेकिन 2 साल हो गए मैं तो ऑटो ही चला रहा हूं। जब झूठी भविष्यवाणियों के पीछे लोग पड़ जाते हैं, तो उनके अंदर भक्तहीनता आनी शुरू आती है, वो परमेश्वर से दूर होना शुरू हो जाते हैं। सबसे ऊपर परमेश्वर का वचन है और उसके बाद इंसान का नंबर आता है, लेकिन हम आज इंसानों को ज्यादा महत्व देने लग गए हैं और परमेश्वर के वचन को हमने महत्व देना कम कर दिया है। उसके बाद यहां पर एक और बात बताई हुई है कि झूठे भविष्यवक्ता जो है वो झूठी झूठी भविष्यवाणियां करते हैं, और वो झूठी भविष्यवाणियां जो करते हैं वो क्या भविष्यवाणी करते हैं? झूठी भविष्यवाणी भी जब वो करते हैं, तो वो आखिर बोलते क्या है जिससे लोग पूरी तरह से निरंकुश हो जाते हैं? और यहां पर यर्मिया भविष्यवक्ता की पुस्तक के 23 अध्याय के 16 और 17 वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो यहां पर वो झूठी भविष्यवाणी बताई हुई है कि वो झूठी भविष्यवाणी वास्तव में क्या होती है जिसके कारण लोग पूरी तरह से भटक जाते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि वे तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा, और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं कि तुम पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी।
यहां पर इस बात को बताया हुआ है, परमेश्वर खुद गवाही देता है कि ऐसे लोग जिनके जीवन पाप के अंदर डूबे हुए हैं उनको भी आकर के ये झूठे भविष्यवक्ता कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण होगा, तुमको आशीष मिलेगी, तुमको शांति मिलेगी, चंगाई मिलेगी, जबकि परमेश्वर ने ऐसा कभी ना तो चाहा है ना परमेश्वर ने ऐसा कहा है। और इसी वजह से आज यही तो होता रहा। कल शाम को जो संदेश मैंने बोला, उस संदेश के अंदर मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली थी। मैंने इस बात को कहा था कि लोग जो हैं बस आशीषें 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 बस इन्हीं के पीछे लगे रहे। और आज लोगों के पास आशीषें हैं, आज लोगों के पास धन बहुत मात्रा के अंदर है, उनके बैंक अकाउंट भरे हुए हैं पैसे से, आशीषों से, लेकिन आज वो पैसा भी जो है वो काम नहीं आ रहा। आज इलाज कराने के लिए वो पैसा भी काम नहीं आ रहा है। ऑक्सीजन खरीदने के लिए पैसे हैं लेकिन ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। इलाज कराने के लिए पैसे हैं लेकिन इलाज अवेलेबल नहीं, वो पैसा किसी काम नहीं आ रहा है। जीवन भर आशीषों के चक्कर में फंसे रहे लेकिन आज सब कुछ गड़बड़ हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। और आज मसीह लोग जो है वो यही तो झूठी बातें सालों सालों से सुनते रहे। और मेरे जैसा कोई प्रचारक जब जाकर के प्रचार करता था कि दंड आने वाला है और कठिन दिन आने वाले हैं, न्याय के दिन आने वाले हैं, तो लोग मजाक बनाया करते थे और कोई आकर के झूठी झूठी और मीठी मीठी बातें बोला करता था कि कल्याण के दिन आने वाले हैं, सुपर नेचुरल के दिन आने वाले हैं, ये वाले दिन आने वाले हैं, इम्पार्टेशन के दिन आने वाले हैं, तो वो बस उन्हीं बातों के अंदर उलझे रहे। अब वो इम्पार्टेशन करने वाले भी रुखसत हो रहे हैं, इम्पार्टेशन करने वाले भी एडमिट हो रखे हैं, और वो भविष्यवाणी देने वाले कितने तो निपट लिए, कितने जाने वाले हैं, कितने एडमिट हो रखे हैं, कितने भविष्यवाणी करने वाले मुझको फोन करके पूछते हैं कि ये सब कुछ खत्म होगा, कब सभाएं शुरू होंगी, कुछ तो बता दो। और मैं उनको हमेशा कहता हूं कि भाई भविष्यवक्ता तो आप हो, आप बताओ कि ये सब कब खत्म होगा, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं तो कोई भविष्यवक्ता नहीं। लेकिन झूठे भविष्यवक्ता जो है वो लोगों को निरंकुश कर देते हैं, भक्तहीनता फैला देते हैं, लोगों के जीवन परमेश्वर से दूर हैं, लेकिन वो उनको कहते रहते हैं तुमको आशीष मिलेगी, तुमको आशीष मिलेगी, कल्याण ही कल्याण आएगा। जबकि कल्याण आ ही नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि उनका जीवन ही परमेश्वर को समर्पित नहीं। साथ ही साथ जो भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से भेजा गया होता है, अपने कड़वे संदेश के कारण, परमेश्वर के बिहाफ पर बोलने के कारण उसको कई बार अकेला रहना पड़ता है, उसको सब छोड़ करके चले जाते हैं, वो अकेला ही सेवा करता है, अकेला ही रहता है। यर्मिया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसके 17वें वचन में यर्मिया इस बात को कहता है कि तेरे वचन के कारण मैं मुझको अकेला भी बैठना पड़ा। यानी भविष्यवक्ता का संदेश ऐसा होता है कि उसको छोड़ करके सब चले जाते हैं, सब कहते हैं इसके साथ रहेंगे तो हम फंस जाएंगे, इसलिए सब उसको अकेला छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये पुराने नियम के अंदर भविष्यवक्ताओं की पहचान बताई गई है कि वो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, वो निडर होते हैं, वो गिफ्ट्स नहीं लेते हैं, लालची नहीं होते हैं, उनको अकेला भी रहना पड़ता है, वो खड़ूस उनकी पर्सनैलिटी होती है, परमेश्वर की ओर से वो सख्त होते हैं, सख्त संदेश डिलीवर करते हैं, और इसलिए उनको हर कोई पसंद नहीं करता है। अब जब हम नए नियम के अंदर आते हैं तो नए नियम के अंदर आकर के भविष्यवक्ताओं की सेवकाई समाप्त नहीं हो जाती है लेकिन चेंज हो जाती है। पुराने नियम के जो भविष्यवक्ता थे वो दुनिया का फ्यूचर, इज़राइल का फ्यूचर बताया करते थे, और वो बताया करते थे परमेश्वर का राज्य जब आएगा तो उस समय क्या होगा, देश देश के ऊपर कैसे दंड आएगा, उन बातों को बताया करते थे, वो इज़राइल के भविष्यवक्ता हुआ करते थे। लेकिन
नए नियम के अंदर जब हम देखते हैं तो नए नियम में भविष्यवक्ताओं की सेवकाई जो है वो कलीसिया तक परमेश्वर ने सीमित कर दी है। अब कोई भविष्यवाणियां देने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा हो चुका है। अब यह बताने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर का राज्य कैसे आएगा, मसीह कैसे आएगा, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए भविष्यवक्ता की सेवकाई नए नियम के अंदर आकर के चेंज होती हुई हमको दिखाई दे जाती है और सिर्फ कलीसिया के अंदर तक वो सेवकाई सीमित हो जाती है। नए नियम के अंदर आपको जानकर के हैरानी होगी कि 10 भविष्यवक्ताओं के बारे में तो नए नियम के लेखों में ही बताया गया है, 10 भविष्यवक्ताओं के बारे में। और कहां पर बताया गया है? प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय 27 से लेकर 29 वचन पढ़े तो वहां पर बताया गया है। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय पहला वचन पढ़े तो वहां पर भविष्यवक्ताओं के बारे में बताया गया है। और प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय उसके 32वें वचन को पढ़ें तो वहां पर भविष्यवक्ताओं के बारे में बताया गया है कि नए नियम के अंदर भी भविष्यवक्ता जो है उनकी सेवा बदली नहीं है, उनकी सेवा को परमेश्वर ने सीमित कर दिया है, लेकिन भविष्यवक्ता नए नियम के अंदर भी पाए जाते हैं। अब भविष्यवक्ता जो होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे एक अपोस्टल होता है जिसके पास एक टास्क होता है, काम होता है, उसी प्रकार से भविष्यवक्ता जो होता है उसके पास एक मैसेज होता है, संदेश होता है। अब प्रेरितों के काम के अंदर हम एक भविष्यवक्ता के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम था अगबुस। अब देखिए, पुराने नियम के भविष्यवक्ता जो होते थे वो देशों के विषय में भविष्यवाणी करते थे, लेकिन नए नियम के भविष्यवक्ताओं की सेवकाई सीमित कर दी गई है कलीसिया के अंदर। अगबुस नाम का ये भविष्यवक्ता जो था प्रेरितों के काम 11वें अध्याय में बताया हुआ है, वो भविष्यवाणी करता है कि एक बहुत बड़ा अकाल पड़ने जा रहा है। वो मसीहों को चेतावनी दे देता है कि एक अकाल पड़ने जा रहा है, उससे पहले ही तुम तैयारी कर लो। प्रेरितों के काम में बताया हुआ है कि वो अकाल जो था वो वास्तव में पड़ा भी था, तो अगबुस की भविष्यवाणी गलत नहीं थी। उसके बाद जब पौलुस यरूशलेम की ओर जा रहा होता है, लौट रहा होता है, तो यही अगबुस भविष्यवक्ता रास्ते में पौलुस से मिलता है, मुलाकात होती है पौलुस से। प्रेरितों के काम उसका 21 अध्याय 10 और 11 वचन के अंदर लिखा हुआ है। और अगबुस जो है वो पौलुस का बेल्ट लेता है, अपने हाथों को बांधता है उस बेल्ट से, अपने पैरों को बांधता है उस बेल्ट से, और अगबुस कहता है कि जिस मनुष्य का ये बेल्ट है उसको यरूशलेम में ऐसे ही बांधा जाएगा। और जब पौलुस यरूशलेम गया था तो उसके साथ वैसा ही हुआ था। तो भविष्यवक्ता की सेवकाई जो है वो हमको नए नियम के अंदर भी देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि भविष्यवक्ता सिर्फ मलाकी तक ही सीमित हो गए या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक ही सीमित हो गए। वो इज़राइल के भविष्यवक्ता थे, लेकिन अब कलीसिया के भविष्यवक्ता जो हैं वो कलीसिया के दायरे में रह करके भविष्यवाणी करते हैं, परमेश्वर के बिहाफ पर परमेश्वर का संदेश वो प्रदान करते हैं। अब देखिए, यहां पर इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 11वें वचन के अंदर पौलुस जो है वो 5-fold ministries के बारे में जब बताता है, उसमें वो भविष्यवक्ता की सेवा के बारे में बताता है। भविष्यवक्ता का जो ऑफिस है वो सबको नहीं दिया जाता है, सबको नहीं दिया जाता है। हम एक वचन पढ़ लेते हैं, 1 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 28 और 29 वचन आपके सामने पढ़ रहा। बहुत ध्यान से आप इस वचन को सुने, बहुत ध्यान से इस वचन को पढ़ें ताकि आपको सब कुछ चीजें यहीं पर ही समझ में आ जाएंगी, ताकि कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। और पौलुस आगे कहता है कि क्या सब प्रेरित हैं, क्या सब भविष्यवक्ता हैं, क्या सब उपदेशक हैं, क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं,
या सबको चंगा करने का वरदान मिला है। पौलुस यहां पर क्या बात बता रहा है? पौलुस कह रहा है कि क्या सारे के सारे मसीही लोग प्रेरित हैं? क्या सारे के सारे मसीही लोग भविष्यवक्ता हैं? पौलुस कहता है ऐसा नहीं है, लेकिन अलग अलग सेवा के लिए परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को रखा है। तो सारे मसीही लोग जो हैं वो भविष्यवक्ता का ऑफिस नहीं ले सकते हैं, भविष्यवक्ता का पद नहीं ले सकते हैं, जैसा कि आज हो रहा है। आज हो रहा है, हर कोई प्रॉफिट है। अब वो कैसा वाला प्रॉफिट है वो तो वही जानता है, लेकिन आज हर कोई अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगा के घूम रहा है, हर कोई अपने नाम के आगे अपोस्टल लगा के घूम रहा है, ऐसा आज हो रहा है। लेकिन पौलुस कहता है हर कोई प्रॉफिट नहीं है, हर कोई अपोस्टल नहीं। तो जो प्रॉफिट का ऑफिस है वो परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने, भविष्यवक्ता जो है वो हर कोई नहीं होता है, लेकिन भविष्यवाणी का गिफ्ट जो है वो परमेश्वर ने हर मसीही के लिए दिया है। कैसे पता हमको? एक वचन को हम पढ़ लेते हैं, पहला कुरंतियों उसका 14 अध्याय उसका 31वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। पौलुस कलीसिया के विश्वासियों के लिए को कहता है, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। कलीसिया के लोगों को पौलुस कह रहा है, विश्वासियों को, कलीसिया के मेंबर्स को कह रहा है कि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब लोग सीखें। अब ये किस प्रकार की भविष्यवाणी है? जरूरी नहीं है कि फ्यूचर से रिलेटेड ही ये भविष्यवाणी हो, मैंने आपको बताया, लेकिन परमेश्वर के बिहाफ पर बोली गई हर बात जो है वो भविष्यवाणी है। यदि आप कलीसिया में खड़े होकर के गवाही भी दे रहे हैं परमेश्वर के बिहाफ पर, तो वो एक भविष्यवाणी। तो गिफ्ट ऑफ प्रोफेसाइंग जो है वो तो सबके लिए है, लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो सबके लिए नहीं है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सबके लिए नहीं है। उसके बाद ये गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी जो है, ये भविष्यवक्ता की सेवा हो या कलीसिया के लोग जो भविष्यवाणी करते हैं कलीसिया में, वो ही क्यों ना हो, लेकिन वो सब जो है वो अन्य जाति जगत के लिए नहीं दिया गया है, वो सिर्फ विश्वासियों के लिए दिया गया है। मैंने आपको कहा इज़राइल के भविष्यवक्ता अलग हुआ करते थे, कलीसिया के अंदर जो गिफ्ट दिया गया है भविष्यवाणी का, वो एक अलग गिफ्ट है, वो सिर्फ कलीसिया के अंदर सीमित है। और इसीलिए पहला कुरंतियों उसका 14 अध्याय उसके 22वें वचन के अंदर पौलुस कहता है कि जब तुम अन्य अन्य भाषाएं बोलते हो तो वो तो अविश्वासियों के लिए बहुत बड़ा चिन्ह है, लेकिन जब तुम भविष्यवाणी करते हो तो वो विश्वासियों के लिए बहुत बड़ा चिन्ह। तो भविष्यवाणी करने का ये गिफ्ट जो है, चाहे वो भविष्यवक्ता के द्वारा हो या विश्वासियों के द्वारा हो, ये सारा गिफ्ट जो है वो सिर्फ कलीसिया को के उत्थान के लिए दिया गया है। देखिए, भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है वो एक अलग विषय है, अगबुस का एग्जाम्पल हमने देख लिया, लेकिन कलीसिया के लोग किस प्रकार से भविष्यवाणी करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। 1950s के अंदर या 1960s के अंदर जब सोवियत यूनियन जो था, रशिया जो था, वहां पर मसीहों पर भयानक सताव किया जाता था, कोल्ड वॉर चल रही थी अमेरिका और रशिया के बीच में, और अंडरग्राउंड चर्चेस वहां पे चलाने पड़ते थे, लोग अपने घरों के नीचे जो उनके तहखाने हुआ करते थे वहां पर वो परमेश्वर का वचन सुना करते थे, सीखा करते थे, प्रार्थनाएं किया करते थे ताकि सरकार को पता ना चल जाए। और मेरे ख्याल से 1950 के अंदर, सही 1950वां सन जो था, उसमें जब रशिया के अंदर एक अंडरग्राउंड चर्च चल रहा था, विश्वासी प्रार्थना कर रहे थे, रो रहे थे परमेश्वर के सामने, तो एक रशियन लेडी जो थी उसको परमेश्वर का संदेश मिला था कि इसी समय परमेश्वर ने प्रार्थना को सुन लिया है और एक बच्चा जो है
उसका जन्म रशिया के अंदर हुआ है, मॉस्को के अंदर या उसके आसपास के क्षेत्र के अंदर हुआ है। और वो बच्चा जो है वो उसका उसकी पहचान ये है कि उसके सिर के ऊपर एक निशान परमेश्वर ने दिया है ताकि विश्वासी उसको पहचान जाए, और परमेश्वर ने उसका नाम मिकाएल रखा है। मिकाएल को परमेश्वर ने भेजा है ताकि कलीसिया को इस सताव से वो मुक्ति दिलाए। और उस बच्चे का जन्म जो था वो बताया था 1950 में, परमेश्वर ने इसी समय उसका जन्म जो है वो दे दिया है। और 1990 के अंदर वो बच्चा जो था बड़ा होकर के दुनिया के सामने आता है, और उस बच्चे वो बच्चा जो है वो बड़ा हो चुका होता है, वो रशिया का राष्ट्रपति बन चुका होता है, और उसके सिर के ऊपर एक निशान होता है और उसका नाम होता है मिकाएल गर्बचौव। यानी इस प्रकार से जो विश्वासी होते हैं वो भी भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन वो भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन वो गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी से परमेश्वर का संदेश लेकर के बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी जो है वो विश्वासियों के जीवन में और भविष्यवक्ताओं के जीवन के अंदर काम करती है। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो पौलुस ने लिखी है, जिसको आज कोई भी मानने को तैयार नहीं है, वो ये है कि भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी को परखा जाना चाहिए। अब देखिए, आज के भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी को यदि आप परखेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, वो गुस्सा हो जाएंगे, वो श्राप देने की कोशिश करेंगे कि मेरी भविष्यवाणी को चैलेंज किया, परमेश्वर तुझको नाश कर देगा, तेरे साथ ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, सब कुछ कर देगा। लेकिन पौलुस ने इस बात को कहा कि जब भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करें तो अन्य उनको परखें। वो वचन हम पढ़ लेते हैं, पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय और उसके 29वें वचन को आपके सामने पढ़ देता हूं। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है, आप इसको बहुत ध्यान से सुने और बहुत ध्यान से इसको समझें। भविष्यवक्ताओं में से दो या तीन बोले और शेष लोग उनके वचन को परखें। अब यहां पर आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि यहां पर पौलुस कहता है भविष्यवक्ताओं में से, प्लूरल, भविष्यवक्ता नहीं, भविष्यवक्ताओं में से दो या तीन बोले और शेष उनको परखें। शेष यानी कि प्लूरल, अदर्स, यानी कि भविष्यवक्ता भी प्लूरल बताए हैं और जो शेष हैं वो भी प्लूरल बताए हैं। क्यों बताया गया है? क्योंकि नए नियम के स्टैंडर्ड में और नए नियम काल के अंदर भविष्यवक्ता भविष्यवाणी नहीं किया करता था, लेकिन भविष्यवक्ताओं का ग्रुप मिलकर के भविष्यवाणी किया करता था। और इसीलिए हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम के 13वें अध्याय के अंदर बताया है कि अंताकिया की कलीसिया में बहुत सारे भविष्यवक्ता थे, भविष्यवक्ता नहीं था, भविष्यवक्ता थे बहुत सारे। तो एक ग्रुप के अंदर ये भविष्यवक्ता भविष्यवाणी किया करते थे, और उस ग्रुप में से पौलुस ने जो नियम बनाया, पौलुस ने कहा पूरा का पूरा ग्रुप खड़ा होकर के भविष्यवाणी ना करने लग जाए, लेकिन भविष्यवक्ताओं में से एक या दो बोले और बाकी के ग्रुप के जो भविष्यवक्ता बैठे हुए हैं वो उनके वचन को परखें, उनके वचन को परखें कि ये भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से ही बोल रहे हैं या ये भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आज भविष्यवक्ता जो हैं वो परखे जाने से इनकार करते हैं, वो मानते हैं कि वो परखे ही नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो तो सीधा परमेश्वर की ओर से बोल रहे हैं। लेकिन नए नियम के अंदर पौलुस ने ऐसा नियम बनाया था कि जब कोई ग्रुप के अंदर भविष्यवक्ता है तो एक या दो भविष्यवाणी करें और बाकी भविष्यवक्ता डिसर्न करें कि यह परमेश्वर की ओर से ही दी गई भविष्यवाणी है या परमेश्वर की ओर से दी गई भविष्यवाणी ना है। एक और वचन को हम पढ़ लेते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 19 से लेकर 21 वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। इसको भी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज इतनी भ्रांत शिक्षाएं
पवित्र आत्मा के विषय में चल रही हैं कि लोग अपने मूल विश्वास को आज खो रहे हैं। पौलुस कहता है, आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो। अब यहां पर पौलुस इस बात को कहता है कि पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, पौलुस इस बात को कहता है, यानी कि इस भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, ये मत बोलो कि हमको भविष्यवाणियों की जरूरत नहीं है, भविष्यवक्ताओं की जरूरत नहीं, ये मत बोलो कि हमको अब पवित्र आत्मा के वरदानों की जरूरत नहीं है, ये मत बोलो। लेकिन पौलुस कहता है कि आत्मा को मत बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ मत जानो, क्योंकि सब परमेश्वर की ओर से हैं। ये भी मत बोलो कि अब हमको पवित्र आत्मा के जो गिफ्ट्स हैं उसकी जरूरत नहीं, अब तो हमारे पादरी लोग ही काफी हैं, ऐसा मत बोलो। पौलुस इस बात को कहता है, वो इस बात को कहता है कि जो जो वस्तुएं अच्छी हैं उनको पकड़ करके रखो। कई भविष्यवक्ता झूठे हो सकते हैं, कई भविष्यवक्ता फ्रॉड हो सकते हैं, लेकिन जो अच्छे भविष्यवक्ता हैं उनकी भविष्यवाणियों को पकड़ करके रखो, पौलुस इस बात को कहता है। तो आज के इस लेसन के अंदर हम किस बात को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ढंग से समझते हैं? हम ये समझते हैं कि भविष्यवक्ता की सेवकाई जो है वो पुराने नियम से लेकर नए नियम तक चली हुई आ रही है, हमारे जमाने तक चली हुई आ रही। साथ ही साथ पौलुस इस बात को कहता है कि पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसके 32वें वचन में कि भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है, यानी कि भविष्यवक्ता जो है वो हमेशा बड़बड़ नहीं करने वाला होना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो हमेशा बात नहीं करता है, पवित्र आत्मा हमेशा स्पेसिफिक समय में अपनी मर्जी से बात करता है, भविष्यवक्ता की मर्जी से बात नहीं करता है। साथ ही भविष्यवक्ता जो है वो इमोशंस के अंदर आकर के भी भविष्यवाणियां कर देते हैं और वो भविष्यवाणियां झूठी साबित हो जाती है। साथ ही भविष्यवक्ता को कभी भी परखे जाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर वो वास्तव में परमेश्वर के बिहाफ पर बोल रहा है तो उसको परखे जाने से डर नहीं लगना चाहिए। तो भविष्यवक्ता की जिस सेवा के बारे में पौलुस ने बताया, भविष्यवक्ता का ऑफिस जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा ठहराया जाता है, लेकिन गिफ्ट ऑफ प्रोफेसाइंग जो है वो परमेश्वर ने हर विश्वासी को दिया है, हर विश्वासी के लिए वो गिफ्ट जो है वो खुला हुआ है।